जय बाबा की, जय माँ की, करौली शंकर महादेव की जय। हम जा रहे हैं मेला घूमने। दरबार के पीछे 5 किलोमीटर दूर है पाली गांव है और वहां पर लगता है मेला, नागा बाबा का मेला। और वहां पे आश्रम है नागा बाबा का और वहां पर ही साल में एक इस ठंडी के सीज़न में यही समय मेला लगता है 10-12 दिनों के लिए। काफ़ी बड़ा और भव्य मेला लगता है। हम बहुत से साधु संत एकत्रित होते हैं। हाँ, और उस मेले के अंदर खास बात ये है कि आपको ना संत देखने को मिलेंगे बहुत, मतलब दूर दूर से। कहे तो शायद पूरे भारत से लोग संत आते होंगे, इतने संत आते हैं नागा बाबा के इस मेले में। भ्रमण मतलब आनंद आ जाता है। तो आज हम लोग जा रहे हैं, एक बार हम गए थे वहाँ पे, लेकिन हम साग सब्जी मतलब घर का सामान खरीदने के लिए गए थे इसलिए हम घूम नहीं पाए। लेकिन आज शाम के बज रहे हैं 5 और सारा काम फिनिश करके निपटा के साफ सफाई करके हम निकल चुके हैं। आज हम जाएंगे संतों के दर्शन करेंगे, नागा बाबा के दर्शन करेंगे। शायद आज मेले का आखिरी दिन है या फिर शायद मेला ख़त्म भी हो गया होगा, पता नहीं। फिर भी हम एक अंदाजे जा रहे हैं, शायद दर्शन हो जाए और मेला भी घूमेंगे और कुछ सामान भी लेना है, घरेलू सामान। उस मेले में कहते हैं आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें आप लोग को आराम से मिल जाएगी। तो अब मुझको हमें लेना है सिलबट्टा, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं रहती है तो चटनी जब बनानी रहती है ना तो फिर लोगों को दे नहीं पाते चटनी। मैं सोची क्यों ना हम अब सिलबट्टे पे भी पीस के चटनी दे दिया करें, ऐसा कम से कम धनिया मिर्चा की चटनी बना के दे दिया करेंगे, उससे भी अच्छा आनंद आ जाता है, देसी एकदम देसी जुगाड़। तो जा रहे हैं हम लोग गाँव की जो कच्ची सड़कें होती हैं उसका आनंद लेते हुए। ये दरबार के पीछे का रोड है और इसको ये जो आगे गांव में मिलता है ना उसको कहते हैं बेनीपुरवा गांव को कहते हैं। यहाँ पे देखो भैया एक काम कर रहे थे मस्त, और देखो खेत आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर लगता है ना। और इस समय सारे खेत खलिहान लहरा रहे हैं सरसों से, सरसों का खेत ही खेत देखने को मिलेगा। और इस समय तो मूली पालक मेथी सब सस्ता हुआ है। गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, मतलब यहाँ के लोग ना सिर्फ प्रेम को भूखे हैं, ये वस्तुओं से प्रेम कम इंसानों से प्रेम बहुत ज़्यादा करते हैं। जो गांव के एकदम सीधे साधे लोग होते हैं ना, साधारण किसान लोग, जो लोग थोड़ा बुद्धि लगाते जो पास रहन चले गए हैं, थोड़ा सा पढ़ लिख लिए उनके अंदर ज़्यादा बुद्धि आ गई है। लेकिन जो आज भी थोड़ा मतलब किसान हो, हाँ इंसानियत गांव में बसी हुई है खास करके किसानों में, उनको प्रेम है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है यार, किसानी एक ऐसा कर्म है जिसमें कोई भी पाप नहीं होता, कोई भोग नहीं बनता, कोई भोग नहीं बनता, इसीलिए बड़े साधारण लोग रहते हैं ना किसान। क्रिकेट पीछे देख सकते हैं, गांव में क्रिकेट खेला जा रहा है। गांव में प्यारे प्यारे बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। कसम से कहे तो हमें गांव ना अति प्रिय है, पता नहीं इतना प्रेम क्यों है गांव से, क्यों है? कभी इतना शहरों से प्रेम नहीं हो सकता जितना हमें गांव से प्रेम है ना, आपको नहीं लगता? यहाँ हर एक चीज़ पे ईश्वर दिखाए ऐसा लगता है, हाँ ये हमारी माँ है, देखो कितनी अच्छी प्रकृति है। लहराते हुए खेतों को देख कर ना बड़ा सुकून, दूर दूर तक सिर्फ आपको खेती 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 नजर आएगी। साइकिल से जाते हुए बूढ़े चाचा जो धीरे धीरे ऐसे मारते मारते साइकिल को ले जाते हैं स्लो मोशन, अच्छा लगता है जब धीरे धीरे जब बूढ़े अंकल तो जो साइकिल से जाते हैं ना तो मुझे मेरे बाबा पर दादा बाबा मुझे याद आते हैं कि वो भी ऐसे ही रहे होंगे, वो भी ऐसे ही जाते रहे होंगे, बड़ा मिस करते हैं यार। जब मैं दरबार आई थी तो बूढ़े तब थोड़े बड़े लगते थे, लेकिन अब 4 सालों में और जवान हो जाए हाँ जवान बोल रही हूँ और छोटे हो गए, मैं भले ही बड़ी हो रही, मैं बुढ़ा रही हूँ आगे जा रही हूँ, मेरी उम्र हो रही है, लेकिन गुर्दे की उम्र छोटी होती जा रही है। हमको भी गुर्दे अपनी तरह यंग बना दे तब मजा आ रहा है। गुर्देव को हमारे
गाजर खा रहा है। तो अभी मैं रुकी हूँ एक खेत के साइड में और यहाँ पर लगा है गाजर की खेती हुई है और इस खेत के अंदर एक गाय का बच्चा घुसा हुआ है, उसको मैं निकाल भी देती हूँ और आप लोगों को थोड़ा करीब से दिखा देती हूँ। हाँ, मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। ये जो है ना, ये कैरेट गाजर, गाजर की खेती हुई है। शायद आप लोग को, शायद आप लोग तो किसान होंगे तो पता है, जो लोग किसान नहीं है उनको दिखाना चाहूँगी मैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है, करीब से दिखाऊंगी मैं आप लोग को। ये देख सकते हो, ये पूरा आगे तक ये सब है गाजर की खेती हुई है। आप लोग को ना थोड़ा सा मैं गाजर करीब से जाके ये दिखाना चाहूँगी। ये देखो, ये जो देख रहे हो ना आप, ये देखो गाजर है। मेरा एक फ़ोटो लीजिए ना। तो ये गाजर है, ये ना ये गाय का बच्चा शायद खींचा होगा तो निकल गया होगा। कितना सुंदर है, अच्छा लगा ना आप लोगों को, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। मैं फोटो तो निकलवा ली, बड़ा आनंद आ गया। और ऐसे ही आगे ना मूली का भी खेती हुआ है, पालक का भी हुआ है, मेथी का भी हुआ है रास्ते में ये। लेकिन ये जो गाजर का था ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं जब भी इस रास्ते जाती थी जितने से करो दिखाती थी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेला जो है ना वो उठ चुका है, बंद हो गया है। नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े झूले लगे थे, यहाँ पे चलने की जगह नहीं थी जहाँ पे हम बाइक लेके जा रहे हैं। देखो सब अपना अपना पैकिंग कर रहे हैं। देखो ये झूला भी, इसका पैकिंग चालू है, इसको भी जोड़ा जाता है क्या यार? नहीं, मुझे लगा था कि ऐसा कुछ जुगाड़ होगा, कुछ भर के लाते होंगे इधर। फिर अब जोड़ते हैं, देख सकते हो सारा झूला वूला का पैकिंग शुरू। यहाँ पे पूरा टेंट वेंट लगा था यार। कोई बात नहीं, नागा बाबा तो है ना, उनके दर्शन कर लेते हैं, नागा बाबा के दर्शन हो जाएंगे। चीजें मिल जाएगी तो खरीद लेंगे। ये आ गए हम लोग नागा बाबा के प्रांगण में आ गए हैं। लेकिन बाबा के लिए कुछ लिए नहीं है। गुरुदेव श्री नागा निरंकारी जी महाराज समाधि मंदिर, ये नागा बाबा का समाधि है। हाँ, कुछ मिलेगा क्या? लोग फूल वूल ले लो, चलो ना देखते हैं। खाली हाथ नहीं जाएंगे, बाबा बोलेंगे अरे मेरे बच्चे लोग खाली हाथ आ गए। कुछ लाते, हमारे बड़ौल लोग को क्या पसंद है, जलेबी वाली पसंद है, खिला देंगे बाबा को। नागा बाबा के दर्शन हम करके अब जा रहे हैं घर, क्योंकि मेला पूरा उठ चुका है और जो हमें खरीदना था वो तो हमें मिल जाएगा। हमें सिलबट्टा खरीदना था, देखते कितने में देते हैं। चौका मिल जाएगा, वाह बड़ा चौका भी मिल गया। एक जियो पत्थर बाबा जो पत्ता किसी लोग बात क्या किलो के पत्ता ले होगे अब खाली ना भी पत्ता नहीं ना कुछ हम लोग जो हाँ वाला ना नहीं होगे थोड़ा बड़ा बड़ा इससे इतना लोग नहीं तो नहीं ये नहीं उतनी जैसा नहीं वो नहीं हो रही पत्थर वाला रूम मिल जाएगा ज्यादा भी कुछ नहीं मिलेगा पक्का। इससे भी छोटी नहीं है, छोटी नहीं है, बड़ी है। ये पीसने वाला है अच्छा, जो पोखली वाला आता है ना, अरे हाँ तो वो पीसने इसके लिए होता है ना, पूछने के लिए होता है ना, ये पीसने के लिए आप बोल रहे हो ना कुछ। तो भाई आज
मेरे यार के साथ ही। अरे काटना नहीं मतलब जो हम पीसते हैं वो इस तरफ रहता है ना। अरे धारी रहता है तो धारी, वही तो बोल रही है धारी करेंगे ना ये अभी। अच्छा करेंगे, आप बोलोगे तब वो धारी करके देंगे ना। ये ले लेते ना। हाँ ले लो भाई। और वो रोटी वाला भी चाहिए था ना। अरे बिल्कुल सीधा बेटा, अगर ये लेना है ये वाला ले लो। अगर ये छोटा पीसा है ना कि जब मैं छोटी थी ना तो हमारी चटनी मसाला हम इसे पीसते थे। इसके टेस्ट भी अच्छा आता है। अच्छा ना भाई, टेस्ट भी बहुत सही आता है, ओरिजिनल टेस्ट आता है। चटनी इस पे पीस के खिला देना। हाथ किसी भी मिर्ची लग जाए तो किसमें हाथ नहीं घिस फैलेगा ना। तुम बताओ तुम्हें ज्यादा ही है ये छुट्टी है भाई। ये कुछ कुछ तो टेक्निकल चीज बता रही है। नहीं क्या है, जो मसाला होता है ना फैलने लगता है। हाँ। इसमें इसके अंदर से। हाँ। तो ये कह रही है कि इसमें से नहीं फैलेगा। अच्छा इसमें से नहीं फैलेगा ना। हाँ, अंदर ही अंदर फंसा रहेगा। और बता दो बेटा, यही दे दो बाबा। मतलब ये वाले जो बट्टा है, ये बट्टा जब पीसेंगे तो फैलेगा नहीं? नहीं फैलेगा। आप जितना कस कस के फैलोगे तो थोड़ा थोड़ा फैलेगा। अच्छा थोड़ा थोड़ा फैलेगा, ज्यादा नहीं। कौन दे दो ये चाचा, एक का दे दो। हां हां अम्मा दस सोटी दाद बनाया। अरे तो लिया हूं बनाओ। तेरा बनाया तेरे सास फूल छी बनाओ, मस्त रोटी बनता है। ऐसा रखता है ये धोखे में गिर जाएगा पक्के में, नहीं टूट ये वाला गिर जाएगा, ये वाला नहीं वाला टूट जाएगा पक्का। हाँ। टूट जाएगा लेकिन ये नहीं टूटेगा। वो संगमरमर है और वो देसी पत्थर बेटा। अच्छा दे दो बेटा, नहीं आया दे दो ये वाला लेना। हां ये भी ले। इसको सुनवा कौन सा बट्टा, कौन सा लेना बट्टा बेटा? वही जो तुम बताए, कौन सा बताए थे? क्या ये बताइए जी। अब्बा ये लो, आओ। हो गया ना? हो गया। पीछे आप लोग देख सकते हैं, हमारे पीछे मिट्टी का घर, सामने गाय भैंस बंधे हुए हैं। इतना अच्छा लग रहा है ना देख के। और यहाँ से हमने खरीद लिया है सिलबट्टा और चौका रोटी बेलने के लिए। और बहुत दिन से मेरा मन था लेने का, क्योंकि इस पर ना चटनी का स्वाद बहुत अच्छा आता है और हमारे यहाँ पे लाइट रहती भी नहीं गांव में, तो इससे क्या होगा हमारा काम चल जाएगा। तो कभी आप लोग आते हो ना, सिलबट्टे में चटनी पीस के आप लोगों को खिलाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, अंधेरा हो गया है। अब फटाफट यहाँ से हम भागेंगे, रात को वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, दिखेगा भी नहीं। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। आप सभी को हरी हर, जय बाबा की, जय माता जी की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। दीदी हो गए।